स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन संपूर्ण देश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उज्जैन शहर के शासकीय उत्कृष्ट स्नोत्तर महाविद्यालय द्वारा 17 सितंबर से 29 सितंबर तक 15 दिवस स्वच्छता पखवाड़े में विभिन्न स्वच्छता पर आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत अस्पतालों में कचरा प्रबंधन व स्वच्छता संदेश, स्वच्छता पर संगोष्ठी, रैली, खुले में शौच मुक्त शहर के लिए जागरूकता, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पब्लिक पार्क तथा महापुरुषों के स्मारकों की सफाई आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज दिनांक 25 सितंबर को शासकीय महाविद्यालय की एनसीसी यूनिट द्वारा स्वच्छता रैली तथा एलआईसी चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से छात्र सैनिकों ने शहर व देश को स्वच्छ रखने का संदेश दिया तथा स्वच्छता की शपथ आम नागरिकों व समस्त छात्रों को दिलाई। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एनसीसी छात्राओं का प्रस्तुति है। उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे देश को, जो मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है, गांधी जी का बहुत बड़ा सपना है, हम गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा सपना था स्वच्छता का। देश स्वच्छ रहेगा तो सभी हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो देश के हित में काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। स्वच्छता के संदेश को और पॉलिथीन को रोकने के लिए छात्राओं ने संदेश दिया है। LIC चौराहे पे हमने नुक्कड़ नाटक किया है, यह ऐसे दो चार जगह पे हम इसको प्रस्तुत करेंगे जन जागरण के लिए। और आज ये कंपोजिट पीट बनाने का भी इनका प्रोग्राम है, तो महाविद्यालय में गड्ढे खोद कर और गीले कचरे से उसमें गोबर ओबर मिला के और अर्थवर्म डाल के हम एक कंपोस्ट बनाएंगे, जो कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, उसका भी ये कार्य करेंगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।